हेलो नमस्कार किसान भाइयों, वसुंधरा कृषि यंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक नई मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मशीन उन किसानों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जो कि गन्ने का उत्पादन या गन्ने की खेती कर रहे हैं। तो सभी गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसके द्वारा वो गन्ने की कटाई भी बराबरी से कर सकते हैं और उसके अलावा गन्ने में खाद देने का काम भी आसानी से कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर से इसको चला सकते हैं। ट्रैक्टर कोई भी ट्रैक्टर 30 से 35 एचपी का कम से कम ट्रैक्टर होना चाहिए, उसके 3 पॉइंट लिंकेज पे लगकर ये मशीन चलेगी। ये मशीन पूरा ऑपरेट गियरबॉक्स से हो रहा है। हाँ, हमने इसका नाम आपको नहीं बताया, स्टेबल सेवर इसको बोला जाता है। जैसा कि सेवर नाम से समझ में आपको आ रहा है तो नाम इसका सेवर इसके अकॉर्डिंग रखा गया है कि जो गन्ने किसान भाई एक बार कटिंग कर ले, कटिंग करने के बाद उसको बराबरी से काटने के लिए, क्योंकि जब एक बार किसान भाई काटता है तो वो किसी अन्य औजार से काटता है तो वो ऊपर नीचे कट होता है। तो इसकी जो ब्लेड आप देख रहे हैं ये हैवी ड्यूटी ब्लेड इसमें लगी हुई है। इन ब्लेड के द्वारा किसान भाई जो गन्ने की जड़ जो बच जाती है उनको एक बराबर कटाई करता है ताकि अगली बार जब गन्ना उगे तो एक समान उगे, एक बराबर उगे, इसलिए इसको उपयोग किया जाता है। अभी आगे आप देखेंगे इसका यूज़ तो हमने देख लिया है। इसके आगे दो पहिए लगे हुए हैं। ये पहिए आप मशीन को किस डायरेक्शन में आपको मोड़ना है उसके लिए लगाए गए हैं। विशेषकर आपका ये जो है रो बनती है जो गन्ना लगता है उसमें, तो रो के अंदर ही ये मशीन चलेगी और आपको थोड़ा बहुत इसको मोड़ना है तो ये पहिए जो है इसकी बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे मोड़ने के लिए। बाकी आप देखेंगे पीछे इसमें तो ये एक बॉक्स दिया है, इसे फर्टिलाइजर बॉक्स कहा जाता है। इसमें खाद डालने का काम किया जाता है, इसमें खाद भरेंगे आप। खाद भरने के बाद जो ये ब्लेड ने गन्नों की जड़ों को कटिंग किया है एवं ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये रिजर टाइप का काम कर रहा है रो बनाने का। तो जो साइड में जो मिट्टी चढ़ाता हुआ जा रहा है वो मिट्टी जो चढ़ चुकी है उसमें खाद देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए यहाँ से ये कनेक्शन गया, इसमें पाइप लग जाएंगे जो कि यहाँ टाइल्स में जाकर अटैच होंगे, टाइल्स में जाकर अटैच होंगे और उसके अलावा फिर यहाँ जाकर के वो खाद देंगे। तो दोनों साइड जो भी रो बन रहा है उसमें खाद देने का काम इसके द्वारा किया जाता है। अभी आगे आप देखेंगे तो इसकी जो टाइल्स आपको दिखाई दे रही है इसकी टाइल्स टोटल एडजस्टेबल होती है, मतलब आप टाइल्स को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आराम से इसके थ्रू कर सकते हैं, दोनों टाइल्स ही इसकी एडजस्टेबल है। और इसके अलावा यदि किसी किसान भाई को सिर्फ आगे का काम करना है, सिर्फ गन्ने की कटाई करना है तो वो भी कर सकते हैं, और किसी किसान भाई को सिर्फ खाद देने का काम करना है तो वो भी कर सकते हैं। और ये जो पीछे व्हील आप देख रहे हैं ये इसको चलाने के लिए, इसका जो गियर सेट दिख रहा है ये कम्प्लीट इसी के द्वारा चलाया जाता है। तो इसकी पहिए का जैसे कि अपना नॉर्मल जो पैरने यंत्र जो सीड ड्रिल होता है वो जैसे काम करता है, पहिया जैसे मिट्टी जमीन से टच होकर घूमता है, वैसे इसका पूरा जो सिस्टम है वो काम करेगा। नमस्कार किसान भाइयों, आगे का कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।